कुछ तो या सरकार खा गई कुछ खा गया यो कर्ज मन। हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। एफिडेविट कैसे बनवाना है द्वितीय मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए बिहार बोर्ड से, और प्रधानाध्यापक के पास एप्लीकेशन कैसे लिखना है, और उसका क्या क्या प्रोसेस है, सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज आप सभी को। कृपया इस वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और पूरी जानकारी 100 में 100 दी जाएगी आप सभी को। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, उप सचिव महोदय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नाम से द्वारा लिख देना होगा, उसमें प्रधानाध्यापक महोदय और अपने कॉलेज का नाम वगैरह जो डाल देना है। इसमें ये नहीं लिखना है कि मेरा गुम हो गया, नहीं तो बहुत झंझट हो जाएगी आगे चल करके। इसमें ये लिखना है कि मेरा बरखा से भीजकर नष्ट हो गया, रेन वाटर लिख देना है उसमें। उसके बाद आपको प्रिंसिपल के पास जा कर के इस पर सिग्नेचर करवा लेना है, वेरीफाई करवा लेना है। प्रधानाध्यापक से वेरीफाई करवाने के बाद आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, शपथ पत्र एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। जो ऐसे बनवाना है इसमें बताया था प्रोसेस। आपको सबसे पहले जाना है कि मुझे द्वितीय मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए एफिडेविट चाहिए। क्या क्या प्रोसेस है वो सारे बता देंगे। आपकी 300 से लेकर के 600 के करीब कॉस्ट आएगी। 100 का जो चालान रसीद होगा वो कटेगा, और 25 रुपीज़ का टिकट सटवाना पड़ेगा उस पर। उसके बाद डॉक्यूमेंट लगा देनी है, जो जो डॉक्यूमेंट है, ये कैसा लगाया मैंने डॉक्यूमेंट, वैसे ही सेम डॉक्यूमेंट डालना है इसके ऊपर, देख रहे हैं ना आप। उसके बाद एडमिट कार्ड, अंक पत्र। हाँ, अगर आपके पास द्वितीय मूल प्रमाण पत्र का छाया प्रति है तो उसको भी इसमें सबमिट कर देना, लगा देना है। देखिए, मैं बिहार बोर्ड में जा कर के 500 का रसीद कटवाया है। ऐसे बिहार बोर्ड में जाने के बाद ऐसा रसीद मिले कटेगा आपके नाम से, और कुछ देर बाद आपको मिल जाएगी। 3 से 4 आवर्स के बाद आपको आपका मूल प्रमाण पत्र मिल जाएगा। एक दिन में सारा प्रोसेस हो जाएगा।